Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to start another very interesting subsection of physics, and today's subsection is electromagnetic waves. Dear students, आज का जो subsection है उसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि how can we generate the electromagnetic waves, और generation के बाद जो दूसरा बड़ा इसका जो process है वो है उसकी transmission. हम जनरेटिंग स्टेशन से रिसीविंग स्टेशन तक अपनी जो EM वेव्स हैं उनको किस तरह ट्रांसमिट करेंगे, और हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसकी उसको हम किस बेस पे उसको कैटेगराइज करते हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो ये सारी डिस्कशन जो है आज के सबसेक्शन का हिस्सा होंगी. सो स्टार्टिंग द डिस्कशन, EM वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. So what are electromagnetic waves? The waves which do not require any medium for their propagation. ऐसी waves जिनको propagation के लिए किसी medium की ज़रूरत नहीं होती, किसी material medium की ज़रूरत नहीं होती, वो waves जो हैं वो कहलाती हैं electromagnetic waves. Like हमारे पास जो mechanical waves होती हैं, transfer waves, longitudinal waves, उनको medium की ज़रूरत होती है. Like sound waves are longitudinal waves, तो इसको medium की ज़रूरत है, air की ज़रूरत है. इसी तरह water wave है, और आपके पास जितनी भी waves हैं जिनको medium की ज़रूरत होती है वो हमारी mechanical waves होती हैं. लेकिन ऐसी waves जिनको medium की ज़रूरत ना हो उन्हें हम नाम देते हैं electromagnetic waves. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे पहले ये जो इंट्रोड्यूस करवाई थी जिस साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर प्रेडिक्टेड बाय मैक्सवेल एंड एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस्ड बाय फ्रैंक हर्ट्ज़. ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिनकी कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. इन द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस डिराइव की थी, और कुछ इक्वेशंस जो है पुट फॉरवर्ड की डेट आर वेरी कम्प्लेक्स इक्वेशंस. उनको उनका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो अभी हम देखेंगे, और उससे देखेंगे कि मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस दी थी रिलेटिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो कंपोजिशन है वो आपको इसके नाम से ही आइडिया हो रहा है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक. दीज वेव आर द कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड. अब दोनों जो फील्ड हैं वो किस तरह प्रोपोगेट करेंगे, किस तरह जनरेट किए जाते हैं, उसके लिए अगर हम इनकी फेजर डायग्राम की बात करें, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर इन ईएम वेव्स, एंड दे कंटिन्यू टू ऑसिलेट थ्रू द अक्रॉस द रीजन, एंड देयर इज ऑलवेज एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन देम. इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का जैसे ही एंगल डिस्टर्ब होगा तो आपकी जो वेव्स हैं वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं रहेंगी, और उनका जो डिस्टेंस है जो वो ट्रैवल करेंगी डेफिनेटली वो भी इफेक्ट होगा. सो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, दीज फील्ड्स आर ऑलवेज इन परपेंडिकुलर विद ईच अदर, एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड हाउ कैन वी प्रोड्यूस इट, इसको भी हम अभी देखते हैं. अब हमारे पास हर वेव जो हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उसकी एक पर्टिकुलर वेव लेंथ होगी. अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपको जो ब्लू शेड नज़र आ रहा है ये आपके पास एक मैग्नेटिकल फील्ड है, बी बी इज़ द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिकल फील्ड, और ये जो आपको रेड वेव नज़र आ रही है इट इज़ द इलेक्ट्रिकल फील्ड, एंड ई इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. सो दीज टू वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनके जो पार्टिकल्स के क्या मोशन है वो परपेंडिकुलर है. इफ़ दिस इज इलेक्ट्रिकल दिस इज मैग्नेटिक, ठीक है. सो बोथ आर एट ओरिएंटेशन ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर. सो इन दिस वे सीरीज ऑफ एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड्स आर ऑसिलेटिंग इन द स्पेस. तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उनको ब्रीफली जो है हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे. अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, यू गाइस मस्ट जॉइन टॉप ग्रेड. आई एम हिरा उस्मान फ्रॉम साहिबाल. आई हैव सिक्योर्ड 92.6% एग्रीगेट इन एमडीकेट 2023.
and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's number one online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and universities. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x पे भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें यह होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए ना, उसका नाम है डॉक्टर मौजम मंजूर और वो भी खुद भी अलामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो। स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी। TopGrade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mozam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. Electromagnetic waves are oscillating electric and magnetic fields. ठीक है, ये पहले हमने बात की है कि ये oscillating electrical और magnetical fields हैं and particularly अगर हम बात करें, these are perpendicularly oscillating electric and magnetic field. Now changing magnetic flux produce electric flux given by this equation. अब आपकी propagation कैसे हो रही है? Changing magnetic field आपका produce करेगा changing electrical field according to this equation. This equation will govern the relation. ऐसा क्यों है? ये electromagnetic induction के जो basic principle है उसी के तहत हो रहा है कि जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होगा। हाउ इट विल प्रोड्यूस? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, चेंज इन फ्लक्स विल इंड्यूस अ वोल्टेज। ठीक है, सो ये चेंज इन फ्लक्स है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या इस्टेब्लिश किया? आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो भी चेंजिंग होगा। सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, दैट इज प्रिसाइजली गिवन बाय दिस इक्वेशन। और इसमें आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, दैट इज इक्वल टू 1/2πr, चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब यहाँ पे आप देखें, जितना ज़्यादा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल फील्ड की वो भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। एंड 2πr, व्हाट इज 2πr? r इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ द वेव एंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल दैट इज फॉर्मुलेटेड बाय दीज टू रीजन्स। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड दिस इज मैग्नेटिकल फील्ड एंड इफ यू ड्रॉ अ सर्कल हियर देन दिस वुड बी द रेडियस। तो यहाँ पे अगर आप देखें, रेडियस असल में है क्या? वो आपकी मैग्नीट्यूड को ही शो कर रहा है। ठीक है, क्या आपकी मैग्नीट्यूड किस तरह वेरी कर रही है? सो दिस इक्वेशन विल गिव द इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज शोइंग दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड विल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सिमिलरली अभी जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हुआ है उससे क्या होगा? हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड था, उसने प्रोड्यूस कर दिया चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब ये प्रोसेस यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये प्रोसेस चलता रहेगा। नाउ दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड अनदर चेंज मैग्नेटिकल फील्ड। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आगे दोबारा फिर जो है मैग्नेटिकल फील्ड को जन्म देगा। अब ये कैसे होगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या असल में? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी वायर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फ्लक्स एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड विल प्रोड्यूस अनदर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न बाय दिस इक्वेशन, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 2πr एंड
rate of change of electric flux, electric lines of force will govern the magnitude of magnetic field. अब इन दोनों equation में एक difference है. Difference क्या है? जो आपकी magnetic field की equation है वहाँ पे permittivity और आपकी जो permeability है वो दो constant आ रहे हैं, ठीक है? So this B will depend on permittivity as well as permeability, but electrical field will not depend upon the permeability or permittivity. ठीक है, ये एक ही आपने difference note करना है. और दोनों equations जो हैं वो उनका pattern same है. Changing magnetic flux will control the electrical field and changing electric flux will control the changing magnetic field. ठीक है, it's as simple as that. तो इसी तरह आगे ये process continue रहेगा. अब changing magnetic field आगे दोबारा क्या करेगा, वो changing electrical field produce कर देगा and further so on. So इस तरह आपका जो ये field है ये आपके space में से propagate करेगा. अब जो सबसे important factor होता है आपकी waves का या कोई भी medium है जिसके अंदर energy का transfer हो रहा है वो speed का parameter. और अगर हम electromagnetic waves की बात करें then the speed of electromagnetic waves in vacuum is given by v is equal to 1 over square root of mu naught epsilon naught. This is very important relation. और यहाँ पे आप देखें अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो epsilon naught is absolute quantity, epsilon naught and mu naught both are absolute quantity and constant. ठीक है, तो इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट, इसका मतलब है आपकी जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो हमेशा क्या रहेगी, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट 3 × 10⁸. द फ्रीक्वेंसी इज अबाउट इन द रेंज ऑफ 10⁶ हर्ट्ज डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ. वेवलेंथ विल कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और ये 1 MHz जो आपकी फ्रीक्वेंसी है अराउंड अबाउट ये रेंज होती है आपकी ई वेव्स की. अब कुछ वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी इसी रीजन के अक्रॉस, वो डिपेंड करेगी उसकी वेवलेंथ पे. ठीक है, इसको अब हम देखते हैं कि हमारे जो रीजन हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से कितने रीजन्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के और उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह वेरी हो रही होती है. अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में ब्रेक कर सकते हैं. नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं. और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं. नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है. नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक जिसकी हेल्प से आप जब चाहें जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं. नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं. नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs. टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है. Not only that, top grade हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन subjects, किन chapters और किन topics में weak हैं ताकि आप उन topics पे ज़्यादा focus कर सकें. Number 7, top grade offers you custom study schedule as per your need. Number 8, top grade app में आपको मिलेंगे best guidance lectures which already have inspired thousands of students. Number 9, progress report की help से आप किसी भी point पे अपनी तैयारी को analyze कर सकते हैं और इसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं. नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 hours. लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 hours. इन एडिशन टू दिस, टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके यू विल सेव ट्रैवलिंग कॉस्ट, हॉस्टल एक्सपेंसेस, बुक्स कॉस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लेंटी ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम.
क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज्यादा टाइम. सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? विजिट topgrid.pk एंड साइन अप फ्री टू गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST एंड GK एंट्रेंस एग्जाम्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है आपका क्या चीज शो करता है, वो आपके पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव्स को वो कैटेगराइज कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द वेवलेंथ. तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टार्टिंग फ्रॉम द विजिबल, यहाँ पे आपको शो की गई है इनकी वेवलेंथ. सो विजिबल की जो वेवलेंथ है डेट इज 10^-6. सिमिलरली अगर आप राइट साइड पर जाएं तो आपकी वेवलेंथ वो डिक्रीज हो रही है अल्ट्रावायलेट, देन एक्स रेज एंड देन गैमा रेज. अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे हैं तो आपकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है. इंफ्रारेड 10^-5 एंड माइक्रोवेव आर इन द रेंज ऑफ 10^-2 एंड रेडियो वेव्स हैव वेरी लार्ज वेवलेंथ 10^3 meters. तो अब ये देखें आपकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम गैमा रेज की होगी और सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव्स की होगी. और वेव इसके साथ आपको ये भी शो किया गया है कि वेवलेंथ का क्या मतलब है, द लेंथ ऑफ द वेव वुड इंक्रीज. और जैसे जैसे आप अप्रोच करें टुवर्ड्स राइट आपकी जो वेव की लेंथ है वो क्या हो रही है, अल्टीमेटली डिक्रीज हो रही है. अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स रिलेशन, अज्यूमिंग दैट स्पीड इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, इफ़ वी इज इक्वल टू लैम्डा एफ, अगर आप वी को कंसिडर करते हैं कि ये कॉन्स्टेंट है देन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और अब क्या होगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी. और ये चीज़ यहाँ पे शो की गई है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स की आपकी फ्रीक्वेंसी है 10^4 hertz और इन द रेंज ऑफ kilohertz. देन माइक्रोवेव है 10^8 hertz, इंफ्रारेड 10^12 एंड विजिबल देन 10^15. सो आप देखें ये आपसे इंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रेंस टेस्ट में कि आपकी जो विजिबल रीजन है उसकी रेंज क्या होती है. सो इन बिटवीन 10^12 एंड 15. देन अल्ट्रा वायलेट 10^16, एक्स रेज 10^18 एंड अल्टीमेटली गैमा रेज 10^20. सो रेज विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और गैमा रेज एंड विद मिनिमम फ्रिक्वेंसी आर रेडियो वेव्स. ठीक है, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वहाँ पे वेवलेंथ आपकी जो है वो मिनिमम है. और इस वेव से आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे शो हो रही है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वेव्स है वो कंजस्टेड होंगी, थोड़े रीजन में ज़्यादा चेंज आ रही होगी. तो यहाँ पे देखें कम चेंज है तो फ्रीक्वेंसी भी स्मॉल है. जैसे जैसे आप इधर अप्रोच कर रहे हैं चेंज जो है वो ज़्यादा हो रही है, अब्रप्ट चेंज आ रही है वेव में. सो वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी. अब यहाँ पे आपकी जो विजिबल रीजन है उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके उसको मज़ीद उसकी डिटेल्स अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट करें तो वहाँ पे आप देखें कि उसमें सबसे पहले ग्रीन है, ग्रीन के राइट साइड पे लाइट ब्लू देन डार्क ब्लू, लेफ्ट पे आप आएँ तो आपको येलो देन रेड. इसका मतलब है विद इन विजिबल रीजन आपकी फ्रिक्वेंसी कैसे वेरी हो रही है, आपकी ग्रीन की जो फ्रिक्वेंसी है वो इन बिटवीन है अप्रॉक्सीमेटली 10^10 or 11. और जैसे आप ब्लू की तरफ जाएंगे तो ब्लू की जो वेवलेंथ है जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, और इसी तरह ब्लू ग्रीन येलो एंड रेड, फिर येलो की फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रीन से कम होगी और अल्टीमेटली जो आपकी रेड है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी. ठीक है, तो विजिबल रीजन में सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, ब्लू की, और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी ब्लू की, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी भी रेड की. ठीक है, तो विद इन विजिबल रीजन भी आपको आइडिया होना चाहिए कि इनके रेंज क्या है. तो अगर इसको अप्रॉक्सीमेट हम करें, विजिबल रीजन क्या है 10^12 से लेके 15 तक, इसका मतलब ये है कि कम से कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेड की 10^12. इधर आप जाएंगे येलो में क्या होगा, 10^11 और 10^12 और 13 ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह ग्रीन की क्या होगी, अप्रॉक्सीमेटली 10^13 to 14 और इसी तरह इधर जैसे जाएंगे तो ब्लू की क्या होगी, ये 10^15 क्या होगी, 15 होगी. ठीक है, सो दिस इज़ द डिटेल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड फर्दर द डिटेल्ड वर्जन ऑफ विजिबल रीजन. तो जब आप FRN को रिव्यू करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है इसको आपने मेमोराइज करना है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए. यू कैन बी आस्क्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट. What
makes TopGrade Pakistan's most trusted online academy. TopGrade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. TopGrade app की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में. TopGrade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Wahid from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. Ab main aapko milwati hu Maheen Khalid se, jinka taluk Azad Kashmir se hai. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDGAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. So topic हमारा जो है students complete हो चुका है. अब इसके questions की हम practice करते हैं. If an electromagnetic wave is plane polarized, then the direction of electric field and magnetic field will be perpendicular, parallel, along the direction of propagation of the wave, and none of these. It will always along the direction of propagation of wave. अब इसमें जो चीज़ apply की गई है वो है plane polarized. Polarization क्या phenomenon होता है कि जिसमें आप कुछ डायरेक्शन जो हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन को जाने देते हैं. प्लेन पोलराइज का ये मतलब है. तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम जानते हैं कि वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल एंड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे वो कंसिस्ट होती है. तो जब इस वेव्स को हम पास करेंगे किसी भी पोलराइजर से, कोई भी पोलराइजर है उससे पास करेंगे, तो पोलराइजर ने क्या करना है, जो पोलराइजर का प्लेन होगा सिर्फ उसी प्लेन में वेव को जाने देगी, उसके अलावा जो भी प्लेन होगा उसको ब्लॉक कर लेगी. फॉर एग्जांपल इसका जो प्लेन है वो, अगर ये प्लेन है तो ये क्या करेगा, इस वाली वेव को जाने देगा और जो ये वेव है ये यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगी और यहाँ पे आपको कोई वेव नहीं मिलेगी. सो आप देखें जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो सिर्फ एक ही प्लेन में होगी और वो क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ, आपकी वेव की डायरेक्शन भी क्या थी, वो ये थी. सो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. So Charlie is the right option. Which of the following is not correct about electromagnetic waves? Air falls to respond to ultrasonic and subtonics. In order to describe the intensity of sound, a logarithm unit is used. The frequency response of the air is not uniform, or none of these. So in तीनों statement में कोई भी statement जो आपकी वो wrong नहीं है, तीनों statement जो आपकी हैं वो correct statement है. आपकी जो एयर की फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो आपकी वेरी होती है, कभी उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है कभी कम होती है. इसी तरह हम हमेशा इंटेंसिटी ऑफ साउंड को लॉगरिथमिक स्केल में मेजर करते हैं. उसकी वजह यह है कि अगर आप उसको लॉगरिथमिक में नहीं करते तो फिर आपकी साइंटिफिक नोटेशन आएगी 10^-12, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत स्मॉल होती है, 10^-12, 10^-7. तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथमिक स्केल में, तो वहाँ से आपके पास फिर ये पावर ख़त्म होके अल्टीमेटली कोई नंबर आ जाता है, 2 है, 3 है, 4 डेसिबल. ठीक है, तो इन नंबर्स को फिर एक्सप्लेन करना या इनको समझना बहुत आसान होता है. इसलिए हम हमेशा इंटेंसिटी ऑफ साउंड को लॉगरिथमिक स्केल में यूज़ करते हैं. एंड एयर फॉल्स टू रिस्पॉन्ड टू अल्ट्रासोनिक एंड सबटॉनिक, इन दोनों को रिस्पॉन्ड आपका एयर वो नहीं करेगा. तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी जो है वो करेक्ट है. According to the antenna theory, it turns out that antennas operate effectively only when their dimensions are the order of magnitude of frequency, wavelength,
टाइम पीरियड और ऑडियो ट्यून। आपका जो रिसीविंग एंटीना होता है वहाँ पे एक चीज़ हम लाजमी तौर पे मेक श्योर करते हैं, और वो क्या है कि आपके जो एंटीना की डायमेंशंस हैं वो कंपेरेबल होनी चाहिए आपकी वेवलेंथ के, जिस वेव को आपने कैच करना है, जिस सिग्नल को आपने रिसीव करना है उसकी वेवलेंथ के वो कंपेरेबल होने चाहिए। अब डायमेंशन से क्या मुराद है? डायमेंशन से मुराद ये है कि उसके अंदर जो आपका फिल्टर है, LC जो ट्यून्ड फिल्टर है, उसके अंदर जो आप वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर जो वेव की डायमेंशन होगी वो सेम होनी चाहिए जो कि आपके सिग्नल की डायमेंशन है। ठीक है, इससे ये मुराद है। सो इट विल ऑलवेज बी इन द कंपेरेबल और इन द विसिनिटी ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव। अगर आपके FSC में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDGET, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. Electromagnetic waves are transmitted from an antenna are transfer waves, longitudinal, stationary or all of these. These waves will always be transfer waves. अब आप जानते हैं कि ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं इनमें जो मीडियम ज़्यादा अपोज़ करता है वो ट्रांसफ़र को करता है और लॉन्गिट्यूडनल को कम अपोज़ करता है, लेकिन क्योंकि वेव्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं सो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, सो यहाँ पे इसीलिए हम इनको ये एज ए ट्रांसफ़र वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव? साउंड वेव, waves on plug string, water waves or light waves. Sound waves are the only waves that are longitudinal waves. और यही वजह होती है कि आपकी जो sound waves हैं वो ज़्यादा travel करती हैं due to its longitudinal nature. Sound waves आपके पास क्या हैं जी? Mechanical waves हैं। तो अगर mechanical waves आपकी transfer हो या अगर आपकी mechanical waves जो है वो लॉन्गिट्यूडनल हो टू एंड फ्रो, तो मीडियम हमेशा ज़्यादा पोज आपकी ट्रांसफ़र को करेगा क्योंकि उसकी जो मीडियम के अंदर डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है। तो अगर मीडियम के अंदर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो तो आपका मीडियम अपोज भी ज़्यादा करेगा। सो जितनी भी मैकेनिकल वेव्स हैं अगर वो ट्रांसफ़र्स होंगी तो उनकी स्पीड जो है वो हमेशा कम होगी। स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र वेव्स विल ऑलवेज बी लेस। और अगर आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं तो उनकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स विल ऑलवेज बी लार्ज। ये हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इन केस ऑफ मैकेनिकल वेव्स अगर तो वेव्स EM है तो वहाँ पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा मीडियम पे। अगर मैकेनिकल वेव्स हैं तो ट्रांसफ़र की स्पीड कम होगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ मीडियम, और लॉन्गिट्यूडनल की स्पीड इनके कंपेयर ज़्यादा होगी ड्यू टू लेस अपोजिशन ऑफ द मीडियम। सो इस वजह से आपकी साउंड वेव्स जो हैं वो अगर आप कंपेयर करें बाकी जो मैकेनिकल वेव्स हैं तो साउंड वेव्स ज़्यादा ट्रैवल करती हैं ड्यू टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल करंट, देर इज इंटरप्ले ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, accelerating charges produces EM waves or all of these. All these statement are correct regarding electromagnetic waves. और इसमें जो सबसे important point है that is Charlie option. Accelerating charges will produce electromagnetic waves. अब ये जो बात acceleration की है इसको हमने समझना है। अगर आपका electrical field या magnetic field change हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, अब
अब दोनों ने चेंज होना है, अगर चेंज होगा तो फिर आपके फील्ड प्रोड्यूस होंगे, अदरवाइज अल्टरनेट फील्ड प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब वो चेंजिंग क्या होनी चाहिए, हमेशा एक्सेलरेटिंग होनी चाहिए। अगर आपकी जो चेंजिंग है वो कांस्टेंट चेंज आ रही है तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो ट्रैवल नहीं करेंगी। सो देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन इन द चार्जेस दैट इज बीइंग कैरीड आउट, देन आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो जनरेट होंगी, अदरवाइज देयर विल बी नो फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंज फ्रॉम, अगर हम वेवलेंथ की बात करें, सो इट रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700, 700 टू 1400, 1400 टू 12,000 और नन ऑफ दिस। हमने जब बात फ्रीक्वेंसी की थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 13 और 12 टू 15, जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है विजिबल की। लेकिन अगर आप वेवलेंथ की बात करें तो वो हमेशा 400 to 700 नैनोमीटर आपकी रेंज होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं एज फार एज आवर इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड, सो यू शुड कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। अ चार्ज कैन जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इफ इट इज एट रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन इन मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। सो वही बात दोबारा हाईलाइट की है कि यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देयर शुड बी सम एक्सेलरेशन एंड motion should be accelerating to produce electromagnetic waves. So delta is the right option. This is all for today. Thank you very much. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304-111-5060.